अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पोइट्री के लिए पिक्चर लगाकर अपनी वीडियो कैसे बना सकते हैं, वीडियो के पीछे अपनी वॉइस लगाकर और आगे पिक्चर लगाकर वीडियो कैसे बना सकते हैं, और इस तरह का चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। सिर्फ आपको करना ये होता है कि आपने पिक्चर फ्री डाउनलोड करनी होती है और जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना होता है वो आपने फ्री लगाना होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, फ्री म्यूज़िक और फ्री पिक्चर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो आपने देख लेनी है। तो इसके लिए हमने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से हमने साइज सिलेक्ट करना है 16:9 वाला। साइज सिलेक्ट करने के बाद काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। आपने ये मीडिया के ऑप्शन में जाना है और जो पिक्चर आपने डाउनलोड करके रखी हुई है वो यहाँ से आपने वो पिक्चर उठा लेनी है। आप यहाँ बहुत सारी पिक्चरें लगा सकते हैं। याद रखिए, अगर आप सिर्फ पिक्चर लगाकर पीछे अपनी वॉइस लगाना चाहते हैं तो फिर आपको पिक्चर बहुत लगानी पड़ेंगी, एक पिक्चर आप नहीं लगा सकते। अगर आप आगे टेक्स्ट इस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर आप एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पिक्चर लगाकर पीछे अपनी वॉइस लगाना चाहते हैं तो जो पिक्चर आप लगाएंगे उसकी लेंथ तकरीबन 4 या 5 सेकंड तक होनी चाहिए। तो पिक्चर वाली वीडियो भी बहुत अच्छी बनती है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनती है। आपने ये पिक्चर के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, ये कैंची के साथ जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाके आपने यहाँ से इसको आपस में मिला लेना है और इस पिक्चर को आपने इसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर मीडिया में जाना है, फिर आपने पिक्चर उठा लेनी है और इसको आपने ऐसे ही मिला लेना है और बड़ा कर लेना है, सेम प्रोसेस है इसका। उसके बाद आपने फिर पिक्चर उठानी है, मीडिया में जाना है, इस पिक्चर को भी आपने ऐसे ही बड़ा कर लेना है इस तरह फिंगर की मदद से। उसके बाद ये सेंटर में आपने इफ़ेक्ट लगाने हैं, इसके ऊपर आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, या ये इफ़ेक्ट आप डाउनलोड भी इसमें कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप अगर बनाएंगे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद एक इफ़ेक्ट आपने इसके ऊपर यूज़ करना है, ये लेयर में जाना है, ये जो ओवरले का ऑप्शन है इसमें जाना है। यहाँ से ये फॉग वाला इफ़ेक्ट आपने इसके ऊपर लगा देना है, इससे ये आपकी वीडियो खूबसूरत हो जाएगी। इसको भी आपने अपनी वीडियो के हिसाब से इस तरह लंबा कर लेना है। अब ये फॉग वाला ऑप्शन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपने फिर लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है। ये नीचे गेट मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है स्पेशल इफ़ेक्ट, इसमें जाएंगे तो ये फॉग वाला इफ़ेक्ट आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास डाउनलोड है तो ये इंस्टॉलेड लिखा हुआ है, इसको आपने डाउनलोड करके वीडियो में यूज़ कर लेना है। इस तरह आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद ऑडियो में जाके आप इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग इसके पीछे लगानी है तो वो रिकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और अगर आप पिक्चर को थोड़ा बहुत एडिट करेंगे, यहाँ ये एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस तरह कुछ करेंगे, इसको एडिट करेंगे तो ये खूबसूरत लगेगी। इस तरह हर पिक्चर को आपने यहाँ से एडिट कर लेना है, इससे आपकी पिक्चर अच्छी बन जाएगी और आपकी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आपने पिक्चर के शेडों पे अगर शेडो देना है तो सबसे नीचे आ जाना, ये विग्नेट का ऑप्शन है, इसको आप इनेबल करेंगे तो साइडों पे इस तरह आ जाएगा शेडो, ये देखें। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में 2 लाइनें ज़रूर लिख दें।